वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मल्लेपल्ली में और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को तैयार हैवी वेट वाले शीप्स बतलाने वाला हूँ, जिसमें ओंगोल नेल्लूर जुडुपी भी है, तेलंगाना भी है, सिंधनूर भी है। तो सबकी डिटेल लेंगे हम यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार भाई, आपका लोकेशन कहाँ पर है? मल्लेपल्ली भारत ग्राउंड, बिसाइड हादी हॉस्पिटल। भारत ग्राउंड बिसाइड हादी हॉस्पिटल। हादी हॉस्पिटल है, ओके। आपके पास अभी टोटल कितने बकरे हैं? 6 बकरे हैं। छः हैं, और क्या डिटेल है इस बकरे की? ये 6 दांत लगा रहा हूँ उमर भाई। अब 6 दांत फ्रेश लगा रहा हूँ जी। हाँ, ये सारे बकरे आपके पले हुए हैं? हाँ उमर भाई, फार्म किए हैं। अच्छा, क्या है इसका वेट? इसका आएगा उमर भाई 55 to 60। 55 to 60 केजीज लाइव वेट जी। हाँ, उस साइड पलटाइए आप। ठीक है, पीछे की ट्रिमिंग भी करी हुई है इसकी बाल की जी। हाँ, क्या है प्राइस इसका आस्किंग? इसका 35,000 आस्किंग जी। नेगोशिएबल है इसमें? हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास ये एक ओंगोल है नेल्लूर जुडुपी में, और क्या डिटेल है इसकी? ये कितने दांत पे है? ये तीसरा दांत अब गिराया उमर भाई। तीसरा दांत अभी लगाया है जी। अभी गिराया जी? अभी गिराया हुआ। ओके, यानी दो दांत के हिसाब में जी। और क्या वेट है इसका? इसका भी आएगा 55-50 50 to 55 kg लाइव वेट जी। एकदम तैयार है, देखिए बकरे सॉलिड कंडीशन में है, यानी कोई दुबले पतले वगैरह नहीं है, एकदम फिट है। और क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका 32,000 आस्किंग। नेगोशिएबल इसमें भी है जी? हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, लेकिन साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा है, आप लोग आके विजिट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएंगे। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, सिंग भी एकदम साफ है, कोई ज़ख्म नहीं है, कहीं कान कटा हुआ नहीं है, सारे कुर्बानी के लायक हैवी वेट वाले बकरे हैं। इसके बाद में और भी है आपके पास? नेक्स्ट ये एक है आपके पास, ये तेलंगाना है या सिंधनूर है? सिंधनूर है। सिंधनूर में चेहरे पे ब्लेज है इसके, बाकी कम्प्लीटली लाल है, देखिए मार्बल सिंह है। क्या है एज इसकी? ये भी तीसरा दांत लगाया है उमर भाई। तीसरा दांत अभी लगाया है जी। और क्या वेट है इसका? इसका आएगा 55 kg लाइव वेट जी। और क्या प्राइस है इसका? इसका भी 32,000 कोट कर रहा हूँ। 32,000 इसका आस्किंग जी। इसमें भी नेगोशिएबल है? हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके बाद में और भी है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड एक मेंढा है, ये कौन सा है? ये तेलंगाना में आएगा शायद उमर भाई। तेलंगाना जी? हाँ, तेलंगाना। यहाँ हो सकता है अमीनगढ़ भी हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज है और लेंथ अच्छी है, देखिए सिंग पूरे खुले हैं इसके। क्या वजन है इसका? ये आएगा उमर भाई 60 आएगा। 60 kg लाइव वेट जी। हाँ, आएगा इंशाल्लाह। और उस साइड पलटाइए आप इसको। काफ़ी बड़े सिंग और फ्रेम भी काफ़ी बड़ा है, देखिए हाइट लेंथ अच्छी है इसकी। वेट क्या होंगे बोले आप? इसका आएगा उमर भाई 60 kg के आसपास लाइव वेट। और क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका 38,000 कोट करो। 38,000 आस्किंग। नेगोशिएबल इसमें भी है? स्लाइटली होगा। ओके, और सारे बकरे देखिए मैं जैसे बतलाया था पूरे फिट है। नेक्स्ट में यहाँ पर ये कुंगोल का मेंढा है आपके पास, और इसकी क्या डिटेल है, कितने दांत पे है? ये 4 दांत कम्प्लीट कर लिया। 4 दांत पे जी। और इसका वेट? इसका भी आएंगा उमर भाई 58 to 60। 60 kg के आसपास लाइव वेट जी। अब उस साइड पलटाइए इसको। हाइट लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस क्या है आस्किंग? इसका भी 38,000 कोट। ये भी 38,000 आस्किंग है, इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। ठीक है, एक और है आपके पास, वो भी ला लीजिए। नेक्स्ट आपके पास ये एक है, ये भी ओंगोल के अंदर, और क्या हाइट है इसकी अंदाजा? क्या तो अंदाजा नहीं है उमर भाई, आप ही आसपास, क्योंकि काफ़ी हाइटेड है बकरा, और सामने से तो खैर बहुत ज़्यादा है, पीछे से भी अगर आप देख रहे तो 36 के आसपास इसकी हाइट है। एज क्या है इसकी? ये भी तीसरा दांत कल गिराया उमर भाई। अच्छा, यानी दो दांत के आसपास ही है। और क्या वेट है इसका? इसका आएगा 60 to 65। 60 to 65 kg लाइव वेट है। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका 40,000 कोट कर रहा हूँ। 40,000 आस्किंग जी। पलटाइए उसको। इसके भी देखिए सिंग वगैरह कोई चीज़ डैमेज नहीं है, एकदम साफ है, और क्वालिटी सभी की एकदम बोल्ड। क्या प्राइस बोल रहे हैं आप इसका आस्किंग बोले? 40,000 आस्किंग है जी। इसमें नेगोशिएबल भी है इंशाल्लाह थोड़ा। ओके, और ये सारे देखिए पूरे सेट बकरे हैं, यानी कंडीशन वगैरह किसी की भी डाउन नहीं है इसमें। तो सब बकरों को आप लोग यहाँ पर आके विजिट करके देख के ले सकते हैं। ये वाला भी देखिए आप क्वालिटी में खोल के लेगा, पूरे बकरे अच्छी कंडीशन में। चलिए, जो इंटरेस्टेड हो आप लोग आइए विजिट करके यहाँ पर देख के लीजिए। मल्लेपल्ली ग्राउंड का नाम क्या बोले? भारत ग्राउंड। भारत ग्राउंड। अगर कोई डिस्क्रिप्शन के नंबर पे कॉल करे तो आप लोकेशन भी भिजवा देंगे ना? जानूंगा इंशाल्लाह। ठीक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।